या डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम पढ़ रहे थे और हम लोगों ने जाना था कि स्टीम का मॉडिफिकेशन तीन बेसिस पर होता है, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल, है ना। और इसमें से हम लोगों ने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और दो मॉडिफिकेशन बचे हुए थे, सब एरियल और एरियल, जिसे हम लोग आज क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन चार प्रकार के थे जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, और आज हम लोग पढ़ेंगे सब एरियल और एरियल। तो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि सब एरियल जो प्रमुख मॉडिफिकेशन है चार प्रकार के, रनर्स, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। इसी प्रकार से एरियल में भी हम लोग चार पढ़ेंगे, टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लेट्स और बल्बिल, ठीक है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा हम लोगों ने ग्राफ लास्ट क्लास में बनाया हुआ था, आज इनको भी समझ लें। इनफैक्ट ये सिंपल टॉपिक है जिसे आपको समझ लेना है, अगर आप इसे आंसर्स में लिख पाते हैं वेल बेटर, अदरवाइज अगर आप इसे सुन भी लेते हैं बहुत हद तक याद रहेगा और आपके कम्पिटेटिव के लिए इतना ही काफ़ी होगा, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, फर्स्ट वन रनर्स, रनर्स जो पहला है, ठीक है, ये नाम इसे बेसिकली मॉडिफिकेशन का नाम उसके कैरेक्टर्स के आधार पे दिया जाता है, तो रनर्स का मतलब ही हो गया दौड़ने वाला, जो दौड़ रहा हो। तो आप यहाँ पर इसे आप आसानी से समझ सकते हैं एग्जांपल से, सपोज ये सॉयल सरफेस है, आप यहाँ इमेजिन करें कि ग्रास है, घास है, कॉमन घास जो आप अपने घर के आसपास देखते हैं, तो आपने क्या देखा होगा कि घास के तने काफी नाजुक होते हैं, पतले होते हैं और वो मिट्टी से बिल्कुल चिपक कर सतह पर विकसित होते हैं, नीचे गांठ, जहां भी गांठ होगी नीचे जड़ होगा, है ना, नीचे जड़ होगा, और ये सभी दिशाओं में वृद्धि करते हैं और ऊपर की ओर पत्तियां पाई जाती हैं, घास में कुछ इसी तरह का पाया जाता है। अब इसका जो तना है, जो नाजुक तना है, इसके अगले गांठ पर नीचे फिर जड़ें निकलेंगी, ठीक है, और ऊपर पत्तियां निकलेंगी कुछ इस प्रकार से, फिर ये आगे की ओर बढ़ जाएगा और इसी तरीके से ये सतह पर पैरेलली बढ़ते हुए काफी दूरी तक बढ़ता जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि यह सतह पर, मिट्टी की सतह पर ये दौड़ता हुआ सा महसूस होता है कि इसके तने दौड़ रहे हैं सतह पर, है ना, इसलिए इस मॉडिफिकेशन का नाम दिया गया है रनर्स। तो रनर्स का कॉमन एग्जांपल हो जाएगा ग्रास, जिसमें हम क्या देखते हैं कि इसके जो स्टीम है काफी पतले हैं, जो सतह पर सभी दिशाओं में ग्रो करते हैं और इसके प्रत्येक नोड से नीचे जड़ें निकलती है, एडवेंटिटियस रूट निकलता है और ऊपर पत्तियां निकलती हैं, और इस तरह से सॉयल सरफेस पर, मिट्टी की सतह पर चारों दिशाओं में फैल जाता है, इसलिए इस मॉडिफिकेशन को रनर्स कहते हैं। नेक्स्ट वन है सकर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, इट्स ऑल्सो ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल सकर्स, ठीक है। अब इसको भी ध्यान से समझें, ये मान लीजिए सॉयल सरफेस है और ये एक मुख्य पौधा है, पुदीने के पौधे, मिंथा में ये कॉमन है, नीचे की ओर सपोज जड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो तने का सबसे निचला गांठ है वहां से कुछ तने, पतले और नाजुक तने निकलते हैं जो जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे विकसित करते हैं और थोड़ी दूर पर ऊपर की ओर निकलते हैं, और निकलकर ये नए पौधे के रूप में काम करेंगे और नीचे यहाँ जड़े विकसित होंगी, ये दोनों दिशाओं में होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से नीचे जड़ें विकसित होंगे और ऊपर ये नया पौधा होगा। तो इस तरीके से ये जो मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं जिसमें स्टीम लोअर मेन प्लांट के लोअर नोड से डेवलप होता है और वो मिट्टी के नीचे, बिल्कुल नीचे, पैरेलली नीचे ही ग्रो करके थोड़ी दूर पर ये फिर सॉयल से ऊपर की ओर निकलता है और एक नॉर्मल प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है, दैट मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड सकर। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मेंथा, मेंथा जिसे हिंदी में हम पुदीना कहते हैं, ये इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टोलन की, तो अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, यानी तना जो है जमीन के नीचे से ना निकलकर ऊपर निकल रहा हो और थोड़ी दूरी पर वो क्या हो रहा है, मिट्टी के नीचे चला जा रहा है, और नीचे जा रहा है तो फिर वहां पर नीचे जड़ें विकसित हो रही हैं और नया पौधा भी विकसित हो जा रहा है, कुछ इस प्रकार नीचे जड़ें विकसित हो जा रही हैं, तो ये कहलाएगा स्टोलन। जस्ट इसका उल्टा, वो बिलो द सरफेस सॉयल सरफेस था, ये एवब द सॉयल सरफेस है, थोड़ा सा अंतर हो गया, मॉडिफिकेशन का नाम बदल गया और यह पाया जाता है स्ट्रॉबेरी में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी लिख लें, तो स्टोलन का एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, यह स्ट्रॉबेरी में पाई जाती है, ध्यान रखना है स्ट्रॉबेरी। और लास्ट वन ऑफसेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने जलकुंभी देखा होगा,
है ना, या एक्वेटिक प्लांट में ऑफसेट मोस्टली एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है। वाटर हाइसिंथ जलकुंभी बेस्ट एग्जांपल है, और आप देखेंगे जलकुंभी बिल्कुल रनर्स की तरह काम करता है, उसके तने काफी मोटे होते हैं और तनों के अंदर एयर सैक पाया जाता है, एयर चेंबर पाया जाता है। इसके सेल्स अंदर में बहुत सारे एयर स्पेस का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें एयर भरा होता है, जिसके कारण यह पानी में इजिली फ्लोट कर सकता है, यह बॉन्सिंग नेचर का हो जाता है। और इसमें भी सिमिलर रनर्स की तरह हर नोट पर नीचे की ओर जड़ें निकलती हैं और ऊपर की ओर पत्तियां निकलती हैं, और पत्तियां भी काफी ज्यादा मांसल होती है और उनमें भी एयर स्पेस पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी हर नोट्स पे नीचे की ओर जड़ें निकलेंगी, ये रनर्स की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा चेंजेस क्या हो गया ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि इसमें जो है ये पहली बात कि एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है, दूसरा इसके स्टीम में एयर चेंबर भी पाए जाते हैं जिससे कि स्टीम में फ्लोटिंग नेचर आ जाता है, स्टीम हल्का हो जाता है, उसमें एयर चेंबर होता है तो वो पानी में आसानी से तैर पाता है, और प्रत्येक गांठ से नीचे की ओर जड़ें और ऊपर की ओर पत्तियों का निर्माण होता है। तो ये है आपका ऑफसेट जिसका एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वाटर हाइसिंथ इसका एग्जांपल है, जलकुंभी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वाटर हाइसिंथ। ठीक है, तो ये चार थे सब एरियल मॉडिफिकेशन जो नॉर्मली मिट्टी की सतह पर होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक में पानी की सतह पर होते हैं, तो जो सतह पर हो रहे हैं उसे हम कहेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन की। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एरियल मॉडिफिकेशन, और एरियल मॉडिफिकेशन को भी हम लोग चार कैटेगरीज में बांट कर पढ़ेंगे, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफ बनाया हुआ था तो शायद आप लोग को याद हो, इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिख के भी दिखाया, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग भी जितने स्टूडेंट्स हैं कॉपी करें और मुझे लिख के दिखाते रहें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक अच्छी खबर आ रही है, सामान्यता उम्मीद है कि जुलाई ऑनवर्ड्स हम लोग साथ मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं, जैसा खबर आ रहा है उम्मीद करते हैं ये काम बहुत जल्द होगा। अब हम लोग एरियल मॉडिफिकेशन की बात करें तो पहला था टेंड्रिल, दूसरा है थॉर्न, तीसरा है फाइलोप्लेट, और लास्ट वन इज बल्बिल। चलिए चारों को हम लोग समझते हैं। टेंड्रिल यह शब्द आपको आगे लीफ में भी मिला होगा, आपने देखा होगा अपने आसपास कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधे, कुकुरबिटेसी फैमिली लत्तर वाले पौधों की फैमिली है, जिसका एग्जांपल तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी कद्दू कोहड़ा इत्यादि है, जो हमारे घर के आसपास नेनुआ वगैरह जो हमारे आसपास अब सीजन है जिसके पौधे मिलते हैं, आपने देखा होगा ये पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं और सतह पर वृद्धि करते हैं, परंतु जब कभी भी कोई सपोर्ट मिलता है तो इसके तने में एक मॉडिफिकेशन होता है जिसे हम टेंड्रिल कहते हैं, जिसकी सहायता से ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं। आपने देखा होगा जो मुख्य तना है, हम लोग इसको समझे, मुख्य तना है जो काफी नाजुक होता है, जिसमें से ब्रांचेस निकलते हैं और यही ब्रांचेस कभी कभी मॉडिफाइड हो जाते हैं और एक विशेष संरचना बनाते हैं, लाइक दिस। आई थिंक आप सब इसे परिचित होंगे इन संरचनाओं से, बहुत ही कॉमन सी संरचना है, और इसकी सहायता से यह किसी आधार को पकड़कर किसी भी स्ट्रक्चर को पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, और इसी मॉडिफिकेशन को कहते हैं हम टेंड्रिल। इस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं टेंड्रिल, जो पाया जाता है ग्रेप्स में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल है ग्रेप्स कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी पौधे हैं, पंपकिन हो गया, कद्दू कोहड़ा खीरा ककड़ी, सभी इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। कुकुरबिटेसी फैमिली, यहाँ ये जो वर्ड आया है कुकुरबिटेसी फैमिली, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे मार्फोलॉजी के बाद, कई फैमिली आप लोग को पढ़ने जिससे भी मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पर फैमिलीज पढ़ने के लिए रूट स्टीम लीफ फ्लावर को जानना बहुत जरूरी है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो टेंड्रिल क्या है समझ में आ रहा होगा, आप लिख सकते हैं कि कुछ हर्ब्स में या सर्ब में नाजुक पौधों में, क्लाइंबर पौधों में जिनके तने काफी नाजुक होते हैं और
इरेक्ट नहीं हो सकते, ऊपर की ओर नहीं चढ़ सकते, उन पौधों में कुछ शाखाएं रूपांतरित होकर एक विशेष स्प्रिंग जैसी संरचना का निर्माण करती है जिस जो किसी आधार या किसी संरचना से जुड़कर पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करती है। तो ऐसे मॉडिफिकेशन को हम लोग स्टीम टेंड्रिल कहते हैं। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, इन सम क्लाइंबिंग प्लांट्स सम ब्रांचेस इज मॉडिफाइड एंड फॉर्म्स ए स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज अटैच विद एनी स्ट्रक्चर एंड हेल्प टू प्लांट इन क्लाइंबिंग। दैट मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड स्टीम टेंड्रिल। एग्जाम्पल मैंने आप लोग को लिख दिया, ग्रेप्स और कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधे। अब आइए थॉर्न की बात करें, तो थॉर्न कहते हैं कांटे को, है ना। ये सुरक्षा के लिए हो रहा है, ये सपोर्ट के लिए था, पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा था। और थॉर्न जो है, सॉरी ये मैंने स्पेलिंग एरर कर दिया, ये एन है, थॉर्न, थॉर्न मतलब कांटा, ठीक है। तो थॉर्न जो है, आप देखें नींबू के पौधे में, वहां पर सुरक्षा के लिए कभी कभी जो कुछ शाखाएं हैं वह ब्रांचेस ब्रांच में ना डेवलप होकर कांटे के रूप में बदल जाते हैं ताकि पौधे को सुरक्षा मिल सके, ठीक है। और इस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं थॉर्न। तो इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है लेमन। आप समझ रहे होंगे ये मॉडिफिकेशन क्या है। लिख सकते हैं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट सम टाइम फ्यू ब्रांचेस ऑफ प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू ए पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज थॉर्न, ठीक है। सुरक्षा के लिए कुछ पौधों की कुछ शाखाएं रूपांतरित होकर एक नुकीला कड़ा संरचना का निर्माण करती है जिसे हम थॉर्न कहते हैं। एग्जांपल है लेमन में। अब आइए फाइलोक्लेट की बात करें, तो फाइलोक्लेट नागफनी के पौधों में पाई जाती है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है नागफनी, आपने सुना होगा। इनफैक्ट हम लोग नागफनी आगे भी पढ़ेंगे, वहां पर लीफ कांटों में बदल जाता है, लीफ के मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे। पर साथ ही साथ जो तना है वो चपटा हो जाता है, पत्ती जैसा हो जाता है और उसमें फोटोसिंथेसिस की भी क्षमता पाई जाती है, साथ ही साथ वह फूड का स्टोरेज भी कर सकता है, ठीक है। कांटेनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो हम लोग ये जो लीफ का मॉडिफिकेशन है, जो ये कांटे के रूप में बदल रहा है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे लीफ के दौरान, पर फिलहाल स्टीम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है ये ध्यान देना है कि इन सम जीरो फाइटिक प्लांट, जो रेगिस्तानी पौधे हैं मरुस्थल में पाए जाते हैं, उन्हें हम जीरो फाइटिक प्लांट्स कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इन सम जीरो फाइटिक प्लांट्स स्टीम इज मॉडिफाइड इन टू फ्लैट थिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड विच इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर एंड स्टोर फूड मटेरियल ऑल्सो, दिस मॉडिफिकेशन इज नोन एज फाइलोक्लेट, ठीक है। लिख सकते हैं मरुस्थलीय पौधों में तना पत्ती जैसी संरचना में बदल जाती है, मोटी मांसल संरचना का निर्माण करती है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, साथ ही साथ यह भोजन का भी संग्रह कर सकती है। ऐसे मॉडिफिकेशन को हम फाइलोक्लेट कहते हैं, इसका एग्जांपल नागफनी या जीरोफाइटिक प्लांट्स है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, लास्ट है बल्बिल, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। हम लोग जब प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे उस दौरान आपने पढ़ा है कि कुछ पौधों में जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, तने से निकलने वाले जो ब्रांचेज हैं वो ब्रांचेज पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं और वो एक गांठ जैसी संरचना बना लेते हैं, फूला हुआ स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसे ही हम कहते हैं बल्बिल, जो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है और यह पौधे से टूटकर मिट्टी में नीचे गिरकर नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। तो बल्बिल के बारे में हम लिख सकते हैं, इट इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, इन दिस मॉडिफिकेशन few branches of plant is modified into a large tuber like structure which detach from plant and grows in soil and forms a new plant, ठीक है। हम हिंदी में लिख सकते हैं कि कुछ पौधों में तने की शाखाएं रूपांतरित होकर एक गांठ नुमा संरचना का निर्माण करती है जो एक प्रजनन संरचना भी है जिसे हम बल्बिल कहते हैं, या विकसित होकर पौधे से टूटकर नीचे मिट्टी में गिरकर विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। और इसका एग्जाम्पल आप जरूर लिख लेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इसका कॉमन एग्जाम्पल है। तो ये था कंप्लीट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। तो स्टूडेंट्स